गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को जो न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब तक हमने सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टाइम पे मैंने जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं उनके रूट्स किस तरह से निकालते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, और ग्राफी स्क्वायर रूट मेथड नाम किस तरह से इसका दिया है, ग्राफी स्क्वायर रूट मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ग्राफी स्क्वायर रूट मेथड। ये हमने जो नाम दिया था आपको कि इस मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायरिंग करते चले जाते हैं बार बार, और पॉलिनोमियल इक्वेशंस को के कोफिशिएंट से हम लोग अगली वैल्यूज निकालते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने लास्ट वीडियो में इसको मेथड को डिस्कस किया था। आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, जो कि एग्जामिनेशन में भी यह बहुत बार आता है, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और किस तरह से इसके रूट निकालते हैं उनको देखना है। जो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया है उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट करूँगा कि उस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन लिख के सॉल्व करेंगे और उस मेथड को यूज़ करेंगे इसके थ्रू। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मेथड पे क्वेश्चन 100% आना है, इसलिए आप लोग जरूर जरूर इस मेथड को अच्छी तरीके से कर लें। जैसे क्वेश्चन ये है, एक्स क्यूब, क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द रूट्स of the polynomial equation x cube minus 3x square minus 6x plus 8 equal to 0 by Graphy square root method equation is given by this x cube minus 3x square माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो। सो सक्सेसिव रूट स्क्वायरिंग हम जो करते हैं टेबल के थ्रू, उसको हम लोग टेबल बनाऊंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए एम, फिर आएगा हमारा टू रेस टू एम, मीन्स हम एम को जो नंबर देंगे, जैसे टू रेस टू जीरो मीन्स फर्स्ट कोफिशिएंट, देन ए जीरो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स, ए जीरो दिस इज योर ए वन, this is your a2 polynomial के square roots, और this is your a3। ये हमारी टेबल होगी जो कि स्टैंडर्ड टेबल है स्क्वायर रूट मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू पुट हियर 0, 2 raise to 0 means equal to 1, means हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है पॉलिनोमियल इक्वेशन, उनके कोफिशिएंट्स, उनके कोफिशिएंट्स हम लोग इसमें लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो अपने पास कोफिशिएंट्स हैं, इन्हीं से मैं शुरू करूंगा, a0 a1 a2 a3। सो हम लोग जब लिखते हैं a0 x cube plus a1 x square plus a2 x cube x and plus a3, ये इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन इन दिस फॉर्म। सो कंपेयरिंग दिस एंड राइट डाउन हियर फर्स्ट a0 a1 a2, a3, these are the values. So comparing these, a0 equal to 1, a1 equal to minus 3, a2 equals to minus 6, a3 equals to 8. These are the values. ये अपने पास इसको given polynomial को compare करने के बाद जो हमारे पास values आएगी वो इस form में होगी। Now, this is your one, m equal to 0, when you put here m equal to 0, 2 raised to 0 equal to 1, then coefficient of a0, a1, a2, a3, put here these values. So 1, minus 3, minus 6, and 8. These are the coefficient of the first term when we are giving the polynomial in this form. जब हमारे पास ये form है, तो हमारे पास पहला step, this is the first step. Now squaring. जो मैंने आपको बताया था, हमने अगला स्टेप कैसा होगा, स्क्वायरिंग होगी, मींस
अगर आपको हमने जो फॉर्मूला बताया था, जो हमने स्टार्ट किया था a0 देन a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, दिस इज द फर्स्ट व्हिच हैव गिवन कोएफिशिएंट एंड देन स्क्वायरिंग. स्क्वायरिंग मींस दिस इज योर a0 स्क्वायर, दिस इज a1 स्क्वायर, दिस इज a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, a4 स्क्वायर एंड सो ऑन. ये हमारे पास स्क्वायरिंग है, मतलब दिए गए पॉलीनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं, इनका वर्क करने पर a0 स्क्वायर, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, a4 स्क्वायर, an स्क्वायर. देन हम जानते हैं हमने क्या किया था, माइनस ट्वाइस a0 a1, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू. जब हम इसको ऐड करेंगे तो a0 इक्वल टू b0 मींस a0 इक्वल टू b0, जो हमारे पास वैल्यू होगी वो ये जो a0 स्क्वायर है वो b0 के बराबर होगा, इनका का वैल्यू b1 के बराबर होगा एंड सो ऑन. इसी तरीके से जैसे इसमें दो टर्म होगी, इसमें तीन टर्म होगी, ये होगी 2a1 a3 और फिर प्लस 2a0 a4, ये दोनों, तो दिस इज योर b2 एंड सो ऑन. सो हम लोग इसी टर्म को यूज करते हुए यहां पे अगला स्टेप लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप इज स्क्वायरिंग. स्क्वायरिंग कहां से करेंगे, a0 से, तो 1 दिस इज स्क्वायर इज 9 36 एंड 64, दिस इज स्क्वायरिंग. This line, a0 square, फिर a1 square, a2 square, a3 square, a4 square and so on. So these are the first term, first polynomial में हमें क्या given है? हमें given है coefficient of a polynomial. That is very important method, squaring method. So we have given a polynomial x cube minus 3x square minus 6x plus 8. So coefficient of x cube is a0, coefficient of a1 is minus 3, a2 is minus 6 and a4, a3 equals to 8. These are the coefficient and then work karne par inka squaring karne par, kyunki question ye square root, so we have squaring, we have got this equation. Then next a0 mein hamare paas same rahega, a1 mein humne kya kiya, a1 mein inko multiplication twice of a0 a2, twice of a0 a2 means हमें जब इसको इसके नीचे फर्स्ट टर्म को छोड़ना है, सेकंड टर्म में जब हम करेंगे तो ये और ये टर्म मल्टीप्लाई विद माइनस, सो 6 वन जा 6 इनटू 2 12, दिस इज योर 12 बट नेगेटिव साइड, मतलब जो टर्म हमारे पास जिस टर्म के नीचे लिख रहे हैं उनके आजू बाजू के जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई विद माइनस सेकंड टर्म में, 2 से मल्टीप्लाई, 6 वन जा 6 इनटू 2 12 माइनस में, फिर अगली जो टर्म होगी अगेन वो माइनस में होगी लेकिन मल्टीप्लाई दिस 8 3 या 24 इनटू 2 48 और माइनस में इसलिए 48. मिड टर्म है स्क्वायरिंग करनी और ये लाइन बन गई, मतलब हम लोग इसको जब निकालेंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इनटू 2 ट्वाइस a1 a3 माइनस ट्वाइस ए जीरो ए टू, देन एडिशन. अब अगला देखेंगे हम 1 रेस टू 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 2, इनका ऐड कर दीजिए 1, इनको ऐड किया 21, इनको ऐड किया 84 एंड दिस इज योर 64. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. These are the coefficient of the polynomial. ये अपने पास ये है बहुपद के गुणांक हैं, उन गुणांकों पे मान लिखे गए हैं. फिर हमने क्या किया, जब इसके नीचे लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखे, सेकेंड टर्म का स्क्वायरिंग, फर्स्ट का स्क्वायरिंग, सेकेंड का स्क्वायरिंग, थर्ड का स्क्वायरिंग, फोर्थ का स्क्वायरिंग. तो फर्स्ट स्टेप इज स्क्वायरिंग ऑफ द कोएफिशिएंट, स्क्वायरिंग ऑफ द कोएफिशिएंट. सेकेंड स्टेप हम लोग इस 9 के नीचे फर्स्ट टर्म एज इट इज 1 इनटू माइनस 6 इनटू माइनस 2 तो व्हिच इज इक्वल टू 12, 6 वन जा 6 इनटू माइनस 2 तो प्लस का 12, देन अगली टर्म 8 3 जा 24 माइनस में इनटू माइनस 2 इज 48, देन एडिशन, मल्टीपली यू हैव ऐड, यू मस्ट हैव ऐड एडिशन, अगेन अगेन स्क्वायर रूट, तो ये जो स्टेप पूरा हो गया आप लाइन खींच दीजिए, अगेन स्क्वायरिंग, 1 का 1
इसका हो जाएगा 21 को 21 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायरिंग 441, 84 को 84 से 7056, 64 को 4096। अगेन पहला स्टेप इज ओवर, सेकंड स्टेप में इसका स्क्वायरिंग, स्क्वायर दिस इज द स्क्वायर वर्क करने पर, दिस इज स्क्वायर वर्क करने पर, ये वर्क करना पर ये हमारे पास पहला स्टेप ये आएगा, फिर ये नीचे की टर्म है। अब अगेन इसके नीचे लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय दिस दिस एंड माइनस टू, दिस दिस एंड माइनस टू, सो 84 इनटू 1 माइनस 2 इनटू 1 इनटू 84, तो अपने पास कितना हो जाएगा 8 और 6 माइनस 168 माइनस 168, एंड देन अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू 21 इंटू 64, सो वी गेट दिस, सो ये हो जाएगा माइनस 42 इंटू 64। अब 64 को 42 से मल्टीप्लाई करें 25, 8862, तो आ जाएगा अपने पास माइनस 2688 माइनस 2688, और लास्ट वाला जो हमारे पास वो एज इट इज होगा। सो दिस इज द सेकंड स्टेप व्हेन यू मल्टीप्लाई एंड एडिशन ऑफ द वर्टिकली यू गेट दिस इक्वेशन, सो देन ऐड नाउ एडिशन, सो देयरफॉर अगला स्टेप जो होगा वो होगा 2, 2 रेज टू 2 मींस 4 एंड दिस इज योर एडिशन 1, इनको एडिशन किया 11 माइनस 8 3, 3 3 माइनस 6 तो 7 और 3 माइनस 1 इज 2 273, then here 4368 और last one is 4096। This is the second step is over, first step में हमने क्या किया ये term निकाल ली थी, this is the second step, ये दूसरा step है जिससे हमारे पास इनका इनका addition, vertically addition, this is the vertically addition and you get this one, now again square अगला स्टेप क्या होगा, अगेन वन करने पर स्क्वायरिंग किया तो 1, 273 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग किया तो 74 74529, देन 190 79 424 190 79 424, और ये है 16777216, ये अपने पास क्या है इसको वर्क करने पर ये टर्म, ये अगला स्टेप, दिस इज द स्टेप फॉर सेकंड, फर्स्ट में हमारे पास दिए गए पॉलीनोमियल के कोफिशिएंट है, देन वर्क किया था हमने, वर्क करके हमने मिड टर्म्स का आपस में आजू बाजू की जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 2 विद माइनस एंड देन एडिशन वर्टिकली, फिर हमारे पास जो टर्म्स आ गई एडिशन वर्टिकली, देन अगेन वर्क करें, वर्क करके फिर अगेन वही मिड टर्म निकालें इनको आजू बाजू की टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, देन एडिशन यू गेट, अगेन ये वर्क कर दिया आपने स्क्वायरिंग यू गेट दिस, सो दिस इज योर अगला स्टेप जो हमारा है वो ये हो गया 14 ये 7429, देन अब इसके नीचे की जो टर्म निकालनी है, नीचे की टर्म क्या, जैसे इसके नीचे की टर्म निकालनी है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 2, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड माइनस 2 4638, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और विद माइनस 2, सो देयरफॉर 74529 के नीचे आ जाएगा माइनस, माइनस एक मिनट ये नीचे हटा रहा हूं मैं, इसके नीचे लिखेंगे माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई इंटू 2, तो 2 8 16 12 13 6 7 8 माइनस 8736, अगला है माइनस 2 2 3 6 4 1 6 2 2 3 6 4 1 6 एंड लास्ट इज दिस एंड देन एडिशन अगेन 1 6 5 7 9 3 6 5 7 9 3 then 1 6 8 4 1 6 8 4 3
008 एंड 1677716। ये अपना अगला स्टेप होगा। हमने इसको वर्टिकली एडिशन किया, ये पहले टर्म निकाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये टर्म, जैसे हमने ये निकाली थी इसी तरीके से इसके नीचे निकालना, तो ये मल्टीप्लाई करके दिस फॉर्म, और दिस इज योर एडिशन। ये अगला स्टेप आ गया हमारा, दिस इज योर एडिशन। अब मैं इसको ऊपर वाली टर्म्स को मिटा रहा हूँ, टेबल बनाने के लिए हम अपर टर्म्स को मिटाएंगे। तो हमारे पास क्या था बन गई, यहां से देखिए, दिस इज योर वन, दिस इज वन, दिस इज सिक्स फाइव सेवन नाइन थ्री, सिक्स फाइव सेवन नाइन थ्री। देन अगला है 168 4300 एट, 1368 4300 8। एंड अगला जो है 1677216। दिस स्टेप इज कंप्लीट नाउ यूजिंग द सेकंड स्क्वायर, दिस इज यूजिंग सेकंड स्क्वायर। नाउ अगेन हम लोग जब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे, दिस इज द सेकंड स्टेप 65738 65793 1684 थर्ड स्टेप। सो इसको मैं लिख देता हूं, थर्ड स्टेप मीन्स ये होगा 2, फिर ये 2 क्यूब मीन्स 8, ये स्टेप अपना चल रहा है पीछे से। देन स्क्वायरिंग, नेक्स्ट टर्म इज स्क्वायरिंग, सो 1 इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 3 2 8 7 4 3 2 8 7 1 8 8 4 9, इसका स्क्वायरिंग किया हमने तो हमारा हो गया 2.83687 ई प्लस 14 एंड 2.81475 ई प्लस 14। प्लस 14 मीन्स इसको पावर में ले लिया हमने और डेसिमल की फॉर्म में हमने इसको अरेंज कर दिया। सो दिस इज योर स्टेप एंड देन नाउ इसके नीचे की जो टर्म निकालनी है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इनटू 2, सो माइनस 3368 6016 माइनस 2.20765 ई प्लस 12। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इनटू 2, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इनटू 2, यू गेट दिस। देन दिस इज योर थर्ड स्टेप था। देन फोर्थ स्टेप विच इज इक्वल टू 2 raised to 4 = 16, दिस इज 1, इसका एडिशन करने पर हमारे पास आ गया 429 5032 833 एंड दिस इज 2.81479 प्लस 14 एंड 2.81475 E plus 14. This is the value for the square. Then again same pattern means हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे, 429 का स्क्वायरिंग करेंगे और ये बड़ी टर्म्स के रूप में हमारे पास इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1.84473 E plus 90 और this is 7.92306 E plus 28 and last is 7.92282 E plus 28. So therefore, again squaring and we get another answer, another value of this table. So next term is squaring करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। So therefore, minus 5.62959 plus 14 and minus 2.41789 E plus 24 and this is the last one. So this is your 5, 2 raised to 5 which is equal to 32, 1, इनको addition जब हम करेंगे तो 1.84467 E
plus 19, and this is 7.922822 e plus 28, and last is 7.922822 e plus 28. So this is your table to find out the squaring root methods. After fifth squaring, the magnitude of roots are given as जो इनके पांचवी स्क्वायरिंग की हमने तो जो मैग्नीट्यूड है उन मैग्नीट्यूड को किस तरह से हम लिखेंगे और किस तरह से इसका आंसर निकालेंगे वो आपको बताता हूँ मैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन बाय जीटा वन इक्वल टू ए वन अपॉन ए जीरो वन अपॉन 32, क्योंकि दिस लास्ट टेबल हम यूज कर रहे हैं. तो दिस इज योर ए जीरो, दिस इज योर ए वन, दिस इज योर ए टू, दिस इज योर ए थ्री टेबल से. सो दिस इज इक्वल्स टू 4 एंड zeta 2 equals to again a2 upon a1 1 upon 32 so which is equals to 2 and last is zeta 3 equal to a3 upon a2 1 upon 32 so which is equals to 1. So the roots are given as 4 minus 2 and 1 4 minus 2 and 1 the absolute values are these 4 plus 2 and minus 1. Since the sign of the roots are determined by the substitution of these values in this given equation, जब हम इन values को given equation में put करेंगे fx में, fx equal to given हमारा है x cube minus 3x square minus 6x plus 8. So this is when you put here f4. So f4 equal to 0. F of minus 2 equal to 0 and F of 1 equal to 0. So roots are 4 minus 2 and plus 1. So this is your answer when you using this method. So this is the final answer by the Newton by the Graphy square root method. So you can also practice using the scientific calculator and use these numerical values. You get the final value of roots of this equation. So practically use of scientific calculator and then solve these equations through this method. This is a very important method. This method pe examination mein question zarur pucha jayega. Thank you.